हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एक जायकेदार दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ और उसके साथ आज मैं बनाने वाली हूँ रायता भी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करती हूँ और आप देख सकते हो, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की ये रेसिपी जायकेदार बिरयानी की पसंद आ रही होगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। में पानी रख लिया है चावलों को उबालने के लिए। अब इसमें मैं लगभग 4 से 5 चम्मच नमक के डाल देती हूँ। उबाल आने के साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 8 से 10 लौंग और 4 से 5 छोटे इलायची। मैं डाल देती हूँ क्रश करके 2 से 3 तेज़पत्ता। तो चलिए पानी में उबाल आने देते हैं और इसे ढक देते हैं। तो दोस्तों, हमने जो पानी रखा था चावल को उबालने के लिए, उसमें उबाल आ चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ बिरयानी के चावल, जिसे मैंने लगभग 1 घंटे तक भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 घंटा भीगे हुए बिरयानी के चावल। तो यहाँ पर मैंने बर्तन को ढक दिया है ताकि जो हमारे चावल हैं वो जल्दी से उबाल आ जाएं, और ऐसे उबाल आने तक का इंतजार करते हैं चावलों में। बिरयानी के चावल हैं वो अच्छे से उबल चुके हैं, लगभग मैंने 80% तक इन्हें कुक किया है, क्योंकि जो 20% रिमेनिंग है वो मैं जब दम पर आएंगे चावल उसमें हमारे कुक हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इन्हें पसा लेती हूँ मैं डाल देती हूँ लगभग 1 किलो मैंने चिकन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ आज की बिरयानी की बनाने के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम बिरयानी। लगभग 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है आप सभी को। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे जो कलर है बिरयानी का अच्छा रहेगा हमारी। लगभग 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं लगभग 6 से 7 मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर फिर डाल रही हूँ लगभग 1/2 कप दही, डाल रही हूँ बारीक लगभग 6 से 7 हरी मिर्च, क्योंकि थोड़ी चटपटी बिरयानी अच्छी लगती है हमेशा से। तो इन सभी को डालने के बाद हाथों की मदद से इन्हें करते हैं मिक्स, कि हाथों की मदद से जो हमारे मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। चिकन को सारे मसालों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स कर दिया है। और एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमने मोटी वाली मिर्च इस्तेमाल की है उसमें उतना तीखापन नहीं होता जितना बारीक वाली में होता, इसलिए मैंने उसे सिर्फ मतलब बिरयानी को अच्छा दिखाने के लिए और थोड़ी सी ऊपर से देखने में अच्छी लगती है इसलिए इस्तेमाल किया है, वरना जो हमारा तीखापन है वो बारीक वाली हरी मिर्च में काफ़ी रहता है। दोस्तों, अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 टीस्पून बिरयानी मसाला। ये मेरा घर का ये मसाला बनाया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप सभी के साथ इसकी वीडियो डिटेल में शेयर करूँगी। और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं इन्हें, इसे लगभग 1 घंटे तक हमें मैरिनेट करके रखना है। तो चलिए 1 घंटे बाद मिलती हैं आप सभी। बर्तन रख दिया है गैस पर, इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमें अच्छे से गर्म करना है इस तेल को। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में डाल दिया था तेल, जो अच्छे से गर्म हो चुका है। बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर मैं। लगभग 300 ग्राम मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है और इसे अच्छे से अब हमें करना है गोल्डन फ्राई। अच्छे से गोल्डन कलर देना है, जलाना नहीं है, केवल गोल्डन कलर ही देना है प्याज को। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने मैरिनेट किया था चिकन, लगभग 1 घंटा हो चुका है उसे भी। उस चिकन को मैं इसी में डाल देती हूँ। हमने चिकन को इसमें डाल दिया है, अच्छे से हमें मिक्स करना है इस चिकन को।
दही ने अपना पानी रिलीज कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें लगभग 8 से 10 मिनट तक कुक करना है ताकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो हमारा चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए, टेंडराइज हो जाए। जो हमारा चिकन है वो लगभग 50% टेंडराइज हो चुका है, जो 50% है वो रिमेनिंग में जब चावल दम पर आएंगे उसमें टेंडराइज हो जाएगा। तो मैंने लगभग 50% ही इसे कुक किया है। पहले से मैंने एक लेयर डाल दी है चावलों की, अब इसमें एक लेयर में इस तरीके से एक तह लगा देती हूँ गोश्त की। अब मैं एक ही लेयर करके इस तरीके से इसमें डालती जाऊंगी। इस तरीके से हमें गोश्त की और चावलों की एक के बाद एक लेयर लगानी है, लगभग 3 से 4 लेयर्स आपको इस तरीके से बना लेनी है। तो अब मैं ये थर्ड लेयर लगा रही हूँ गोश्त की। लग चुकी है चावल की अलहमदुल्ला। अब मैं इसमें रिमेनिंग जितना भी मेरा गोश्त है चिकन का मैं उसे सबको डाल देती हूँ। इसमें डाल देती हूँ मिर्च का अचार, इससे जो हमारा बिरयानी का फ्लेवर है बहुत ही खट्टा तीखा चटपटा आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। क्योंकि मैंने बाकी लेयर्स में से इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो हमारी लेयर्स हैं उन्हें वैसे भी हमें मिक्स करना है ऊपर नीचे, तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो टॉप लेयर पर मैंने इसे डाल दिया। टॉप लेयर पर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। चावलों में मैं लगभग एक चुटकी मैंने डाल दी है येलो फूड कलर और लगभग 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दी हूँ ऑरेंज फूड कलर मैंने इस तरीके से डाल दिया है। जब हम चावलों को मिक्स करेंगे, इनकी लेयर्स को मिक्स करेंगे तो जो हमारे कलर्स हैं बहुत ही खिल कर आएंगे इंशाल्लाह बिरयानी में। तो चलिए अब मैं इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पे गैस पे रख देती हूँ ताकि जो हमारी बिरयानी वो अच्छे से दम पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बिरयानी है वो अच्छे से दम पर आ चुकी है। अब मैंने इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक दम पर आने दिया था और जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार लग रही है, इनकी लेयर्स को अब हमें अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करना है और मिक्स करके चलिए जल्दी से सर्व करती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ कि कैसी बनी है मेरी आज की दम बिरयानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की दम बिरयानी चिकन दम बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी जायकेदार और ज़बरदस्त लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को, मेरे आज के नए व्यूअर्स को, मेरे पुराने दोस्तों को, मेरे नए दोस्तों को मेरी आज की ये दम बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो या रेसिपी वर्थ वॉचिंग लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।